तो बात की थी हमने कल आप पॉपुलर बना रहे हैं। हेलो कैसे आप मुझे बताया नहीं गया पर जिसको भी सम्मान देने को कहेंगे मैं दे दूंगा। बहुत खुशी खुशी वोग इज बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ माय जर्नी सो फार एंड जब भी वोग का कोई इवेंट होता है और जब भी वो किसी भी तरीके से मेरे काम को एक्नॉलेज करते हैं बहुत अच्छा लगता है। देखिए बहुत बड़ी टीम रहती है, जब आप शुरुआत करते हो आपके साथ टीम नहीं होती, जैसे जैसे ऊपर वाला मेहरबान होता है आपके साथ टीम आ जाती है, स्टाइलिस्ट आ जाते हैं, मेकअप है, ये वो मैनेजर्स फलाना सब आ जाते हैं। सो आई एम ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल टीम हु मेक मी लुक द वे आई लुक, हु मेक मी डू द गुड वर्क दैट आई डू। सो या बिग शाउट आउट टू माय टीम। ये बहुत ही घातक सवाल आने वाला है आपका, क्योंकि अभी आपने बोला कैमरा ऑन करो। नहीं नहीं, आई थिंक बच्चन साहब एक ऐसे फिगर है जो आई थिंक हमारे इंडस्ट्री के राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, हम चाहे जितना उनको थैंक यू बोल दें, हम सबको इंस्पायर करने के लिए उतना थैंक यू कम है। दादा साहेब फाल्के इज़ अ बिग ऑनर बट अ वेरी वेरी जस्टिफाइड ऑनर टू अ फिगर लाइक बच्चन साहब, बट स्टिल आई थिंक उनके ऑनर में मतलब कुछ भी दे दिया जाए वो छोटा ही लगेगा। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट प्लीज, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। मुझे पता नहीं पर आई थिंक उनका एक जादू है, उनकी एक्सपीरियंस, उनके उनकी जो डिसिप्लिन है, उनकी मेहनत जो है, आज भी जो उनकी लगन है एक्टिंग को लेकर, वो आई थिंक कहीं ना कहीं हर जगह रिफ्लेक्ट होती है। सो आई थिंक इट्स दैट, आई थिंक इट्स दैट, और हम सब सीख रहे हैं। आप कर लो से।
ज़्यादा ग्रेसफुल इंसान मैंने आज तक देखा नहीं है. मेरे लिए वो ब्यूटी को डिफाइन करती हैं, जिस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करती हैं और कैरी करती हैं. और यू नो वो इतनी उम्दा कलाकार रह चुकी हैं और हैं, तो उनके साथ स्टेज पर रहना मेरे लिए ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है और स्पेशल भी बात है, क्योंकि दादी है वो मेरी. तो आई एम एक्साइटेड एंड आई एम ग्रेटफुल एंड थैंक यू वेरी वेरी मच. थैंक यू.